नमस्ते किसान भाइयों, मैं विक्रम तोमर आपके अपने फसल समाधान चयन में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अगर आप खीरे के किसान हैं और खीरे की खेती करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। अगर आपके खीरे की फसल 12 से 15 दिन की हो गई है या पहला छिड़काव नहीं हुआ है तो आज मैं ऐसी दवाओं के नाम बताऊँगा, उसे आप अपने खेत में इस्तेमाल करके, खीरे की फसल में इस्तेमाल करके रोगों के साथ साथ अपने खीरे की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन सी दवा हैं जिसका आप छिड़काव करें। अगर खीरे की फसल में रोगों की बात करें तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार के रोग आते हैं, पाउडरी मिल्डू और डाउनी मिल्डू। जी हाँ किसान भाइयों, किसान अपनी भाषा में इसे खीरे का खरखरा रोग कहते हैं। और अगर हम कीट की बात करें तो इसमें हल्का मच्छर रहता है जिसे हम थ्रिप्स बोलते हैं, और माइट का भी अटैक रहता है। और इसके साथ साथ खीरे की फसल को वाइट प्लाई जो सफ़ेद मक्खी है वो भी हानि पहुंचाती है। खीरे की खेती में जब फल आना प्रारंभ होते हैं तो किसान भाइयों आपने देखा होगा कि खीरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये किसके कारण होता है किसान भाइयों? यह वाइट फ्लाई और जो सफ़ेद मक्खी है उसके कारण ये समस्या आती है, वो फल पर डंक मार देती है जिसके कारण कीड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। आज मैंने इसी सभी समस्याओं पर ये वीडियो बनाई है। अगर आप इन सब रोगों से और कीटों से अपनी खीरे की फसल को बचाना चाहते हैं और बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों, जो मैं पहली स्प्रे का छिड़काव बताऊंगा उसे आप अपने खीरे की फसल में लगा के अच्छी पैदावार के साथ साथ रोगों से भी अपनी फसल को बचा सकते हैं। जो मैं तीन दवाएं बताऊंगा उसे आप मिलाकर अपने खीरे की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली दवा है रिडोमिल गोल्ड, इसे आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खीरे की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको सभी रोगों से खीरे की फसल को बचाएगी। इसके साथ आपको लेना है अलेका। जी हाँ किसान भाइयों, यह एक कीटनाशक है। ये आपको 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में लगाना है। यह सभी प्रकार के मच्छरों के साथ साथ वाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करेगा। इसके साथ आपको तीसरी दवा लेनी है जिसका नाम है क्वांटिस। यह भी सीजेंटा कंपनी की आती है। यह आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इन दोनों के साथ मिला के लगानी है। ये किसान भाइयों पौधा की वृद्धि को बढ़ाएगा। अगर आपके खीरे की फसल कमज़ोर है तो उसमें भी ये सुधार करेगा। अगर आपके फल फूल की स्थिति में अगर इसको लगाते हैं तो ये फल बनाने में भी सहायक करता है। तो इन जो मैंने तीनों दवाएं बताई हैं, रिडोमिल गोल्ड 500 ग्राम प्रति एकड़, अलिका 80 ml प्रति एकड़ और क्वांटिस 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी खीरे की फसल में छिड़काव कर सकते हैं। खीरे की फसल एक नाजुक फसल है किसान भाइयों, ज़्यादा दवा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने तीन दवाएं बताई हैं उसे ही आप लगाएं और अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि पहली स्प्रे अगर आप करते हैं तो इसमें कोई रोग नहीं आएगा और आगे पैदावार अच्छी निकलेगी। धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे फसल समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें।